हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री राम जाइस आई होप यू गैस आर डूइंग गुड थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस लेट स्टार्ट विथ टूडेज सेशन वेयर विल डिस्कस आर्टिकल्स डीलिंग विथ थर्टीथ ऑफ सेप्टेम्बर सो मंथ एंड होने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हैं अब जितना पढ़ा है अगर वो याद है तभी फ़ायदा है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज थिंग्स यू लर्न वो आपके माइंड में सेव हो और वो सेव होंगी जितनी ज़्यादा मल्टीपल रिविजन होंगी ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स बनते जाएंगे फिर ईयरली करंट अफेयर्स हो जाएंगे तो साथ साथ याद करते चलो डेली रिवीजन करते चलो नहीं तो कंटेंट इतना पाइल अप होता जाएगा कि बाद में दिक्कत हो जाएगी सो प्लीज डू रिवाइज रेगुलरली राइट नाउ एज फार एज टूडे सेशन इज कंसर्न विल डिस्कस दीज आर्टिकल्स आपके सामने लिस्ट है जल्दी से पढ़ देती हूँ कि क्या क्या आज हमें कवर करना है पर्यटन मित्र या फिर पर्यटन दीदी इनिशिएटिव क्या है यह आपके टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है और जीएस पेपर टू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ठीक है ब्रिक्स ग्रुपिंग क्या है ब्रिक्स के बारे में बेसिकली यहां पर हम जानेंगे अकेन पेपर टू मोर प्रिलिम्स ओरिएंटेड मतलब प्रिलिम्स ओरिएंटेड मतलब ये वाला करंट आर्टिकल वैसे तो ब्रिक्स पे बहुत आर्टिकल्स आते हैं जो मीन्स ओरिएंटेड होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं आज प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से देखेंगे रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है क्यों न्यूज में है प्रिलिम्स परस्पेक्टिव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स येस मीन्स एंड प्रिलिम्स बोथ एंड इंडिया राइज एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब सो दिस यू कैन कनेक्ट विद योर जी एस पेपर थ्री जी एस पेपर टू एज वेल सो मैं यहाँ पर आपके साथ करंट बात करूंगी अच्छा क्या चैलेंजेस आते हैं क्या सोल्यूशन स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है सब कुछ देखेंगे सो दिस विल बी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो दोजू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी एस एस सी और स्टेट पी सी एस Current affairs are relevant for every exam. You can trust this platform because Sriram's IS is serving the nation since 1985. Yes, they have built that trust. We have built that uh, trust because of the quality content that we are sharing offline also. And now we are online as well. So you can refer these classes. You can let others know about it. And uh, with this, let's begin. ये रहा आपका पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन पर ही होता है ना इट्स इट्स वे ऑफ किया अच्छा चलो इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाई जैसे के बी सी में होता है ये रहा पहला सवाल तो ये सवाल जब आपका नहीं है खेल यहाँ है पहला आर्टिकल इंडिया हैज़ मूवड अप टू थर्टी नाइन्थ प्लेस एक सौ तैतीस वन थर्टी थ्री ग्लोबल इकोनमीज में से इंडिया की रैंक आ गई है थर्टी नाइन्थ क्लिस में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है कौन लेकर आता है रैंकिंग आई है तो क्या किन पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडेक्स आता है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है जो क्या देखता है अलग अलग कंट्रीज की इनोवेशन कैपेबिलिटीज और इंडिया की पोजीशन थर्टी नाइन्थ है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कैसी हो रही है देश में राइट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसी हो रही है देश में क्रिएटिविटी कैसी हो रही है ओवरऑल इनोवेशन कैसी हो रही है तो ये अब जिस तरीके की हमारी पोजीशन है ऑब्वियसली इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट वी हैव इम्प्रूव एंड इंडिया इज ग्रोइंग इट्स स्ट्रेंथ इन दीज एरियाज अब ये इंडेक्स सबसे पहले तो लाता कौन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये ध्यान में रखना है इट इज अ रिपोर्ट इट इज एन इंडेक्स दैट इज रिपब्ल पब्लिश बाई इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जी एक इंपॉर्टेंट टूल है एक रिलायबल टूल है फॉर द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टू असेस टू मेजर हाउ वेल दे आर यूजिंग इनोवेशन टू ड्राइव सोशल प्रोग्रेस इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो कितने इनोवेशन लेड हैं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज रैंक फर्स्ट अमंग द टेन इकोनॉमीज़ इन दिस सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न एशिया मतलब इज विद इन दिस रीजन यू आर लीडिंग इन वे वे इन इनोवेशन अगर मैं वैसे बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया की जो है ग्लोबल स्टैंडिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो इंडिया हैज अर्न फोर्थ पोजीशन इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग तो साइंस साइंटिफिक एरियाज में भी यू आर डूइंग गुड तो यहां पर मेजर सिटीज जो है वो है मुंबई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दे आर लिस्टेड अमंग द दर्ल्ड टॉप हंड्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स टॉप टेन टॉप हंड्रेड हब में से ये है वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूं फॉर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं फॉर इनोवेशन एंड साइंस इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में इंडिया की रैंक है सेवेंथ मतलब बेसिकली दिस फैक्टर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन फिजिकल एसेट्स लाइक पेटेंट्स हैं ट्रेड मार्क्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके न्यू आइडियाज हैं इनोवेश प्रोटेक्ट दैट ऑल्सो राइट सो वर्ल्ड इनोवेशन प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इट वर्कस विद द विजन ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिव एक्टिविटी प्रोमोटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी थ्रू आउट दर्ल्ड टू प्रोटेक्ट इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी लाइक पेटेंट्स हैं ट्रेडमार्क है कॉपी राइट है अक्रॉस द वर्ल्ड फिफ्टीन स्पेशलाइज एजेंसी में से एक है ये अभी इसके अंदर वन मेंबर्स थ्री हैं मुझे कमेंट सेक्शन में इसका हेड क्वार्टर बताओगे कहाँ है थोड़ा सा होमवर्क है छोटा सा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द हेडक्वार्टर ऑफ इट ठीक है पॉलिटी पढ़नी है कोई डाउट आ रहा है टेंशन की बात नहीं है कोई पैसे नहीं देने हैं पॉलिटी का कोर्स चल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री क्लासेस हैं बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट है जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है विद क्वालिटी यू कैन रेफर इट यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट इट कॉमेंट सेक्शन में जो भी इस पर्टिकुलर सेशन के भी फीडबैक रहते हैं या किसी भी सेशन के हैं यू कैन लेट मेंटर्स नो मेरे सेशन के तो खास खासतौर पे आई ऑलवेज से वट एवर इज योर जेन्यन फीडबैक डो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई डो रीड योर कॉमेंट्स टिल डेट the comments the love that you are pouring in the comment section with your feedbacks it feels me so motivated feels me so great so happy when i see that you guys are liking these lectures so thank you for that as well now yeah there are spoon feed sessions also on the platform if in any case you are having any doubt in any specific topic of current affair you can refer to those plus but please don't consider these sessions as substitute of dna dna is dna and spoon feed sessions are different right their their uh, purpose is different ratapani century is stretching its arms Kya <laughs> to get the status of a tiger reserve and the government is serious in this regard basically uh, the century is moving towards this goal

बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है तो आपको पता होना चाहिए कि अगल बगल कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोई लैटिट्यूड पास करता है इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूरी पर है ये थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछेंगी बस अच्छा लैटिट्यूड पे इसके और कोई पड़ती हैं क्या नॉर्थ टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो कौन कौन सी आएंगी पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएंगी तो ये थोड़ा आइडिया रखना है मैप से ही समझ आएगा मध्य प्रदेश में आज जाना है मध्य प्रदेश की बाकी सेंचुरीज थोड़ा घूम के आए जैसे इधर पन्ना हो गई ठीक है ये तो हम पढ़ी ही रहे हैं रता पानी तो गांधी सागर है इधर इधर पेंच है सतपुरा है राइट थोड़ा तो आपको आइडिया होना चाहिए इधर बांधवगढ़ है इधर फिर थोड़ा और चले जाओ साइड में ईस्ट में जाते जाओ तो इधर संजय डुबरी है ठीक है तो ये आइडिया होना चाहिए नाउ एज़ फार एज दिस सेंचुरी कंसर्न मध्य प्रदेश में आठ सौ पच्चीस पॉइंट नाइन जीरो एट टू फाइव पॉइंट नाइन जीरो स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया पे स्प्रेडेड है रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं जहाँ पर ये सेंचुरी है और दिस रॉकी फॉरेस्ट विद एक्वाटिक एन्वायरमेंट ये पूरा का पूरा रॉकी जो टैरिन है बेसिकली इट इज सिट ऑन दी विंध्या हिल्स नॉर्थ पे नर्मदा बहती है और वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो कोलार नदी बनाती है सेंचुरी की द सेंचुरी हैज भिम्बेटका वन ऑफ द की हाईलाइट ऑफ दिस सेंचुरी इज द भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स एंशियंट रॉक पेंटिंग्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है दे आर डिक्लेयर बाय द यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाकी यहाँ पर आपको आसपास गिनौरगढ़ फोर्ट है पीओडब्ल्यू कैंप है केरी महादेव रतापानी डैम झोलियापाड डैम ये काफ़ी आपको फोर्ट और डैम देखने को मिलेंगे लैंडस्केप है, प्लेटूज हैं प्लेन्स हैं वैलीज हैं हिल्स हैं और ड्राई डेसीडियस वेजिटेशन फ्लोरा, मॉइस्ट डेसीडियस देखने को मिलेंगे 55 परसेंट एरिया टीक से कवर्ड है फना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चिंकारा पैंथर हाइना जैकल इंडियन फॉक्स वाइल्ड डॉग ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी Union Ministry of External Affairs recently met with his BRICS counterparts to affirm its role in a multipolar world. Basically, India's Ministry of External Affairs they held a meeting with the representatives. They met with the representatives of other BRICS countries. So here BRICS stands for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S for South Africa. But

प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पर ग्लोबल पावर आज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है दी मल्टीपल कंट्रीज एंड ग्रुप्स नाउ देर इज नो सिंगल नेशन अच्छा दैट इज डोमिनेटिंग और अ फ्यू नेशंस आर डोमिनेटिंग नो मेनी कंट्रीज हैव देयर इन्फ्लुएंस सो दे वर्क टूगेदर ऐसा नहीं है दे आर जस्ट रेदर देन जस्ट अ फ्यू बिग पॉवर दे आर कंट्रोलिंग द ग्लोबल डिसीजन नो You need to promote cooperation among the emerging economies also. You need to balance the power dynamic in the world. That was the whole context. So, here we'll talk about BRICS. As I have told you, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This is a block of these countries. They formed a partnership and they created it in 2001 by Goldman Sachs, and economist. Uh, that time. Uh, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका ऐड नहीं हुई थी साउथ अफ्रीका लास्ट में 2010 में ज्वाइन हुई थी तभी एस लग गया था अदरवाइज इट ब्रिक ब्रेक ब्रेक्स बन गया सो दिस ग्रुप वाज डिजाइन की जहां पर आप इंपॉर्टेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आप उनको लेकर आ रहे हैं टू चैलेंज द इकोनॉमिक पावर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द वेल्थियर नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू फर्दर इकोनॉमिक ऑपरेशन नेशंस इंक्रीज देयर पॉलिटिकल स्टैंडिंग इकोनॉमिक स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड राइट कि अब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा एक तरफ वेस्टर्न यूरोप है नॉर्थ अमेरिका है कि चलो भैया वही है जो है नहीं एक प्लेटफॉर्म है ग्रुपिंग है जो एक आवाज है फॉर डेवलपिंग नेशन ऑल्सो दे हैव इंक्रीज their पॉलिटिकल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड 2024 में सऊदी अरेबिया ईरान इथोपिया यू ए इजिप्ट दे जॉइन द ब्रिक्स देखो वो होता है ना कि घर के अंदर तो मसले चल रहे हैं आपस में इंडिया चाइना तो क्या डिसीजन लेने में दिक्कत तो नहीं आती ये हम बाद में कभी बात करेंगे बट कहने की बात है ये कि घर के चाहे अंदर मसले चल रहे हों बट ओवरऑल यू शुड बी यूनाइटेड तभी तो दूसरे नेशंस ने अभी ज्वाइन किया है इथोपिया ने ईरान ने सऊदी अरेबिया ने कि मिल के डिसीजन लेना है सामने कॉपरेशन कौप, होगी तभी तो बात बनेगी राइट आप कोई फैसला लो दूसरा वाला कहे नहीं नहीं आपका दुश्मन सामने खड़ा हो गया मैं इसके फैसले को नहीं मानता ठीक okay? है तो वो नहीं होना चाहिए द एक्सपेंडेड ग्रुप हैज अ कम्बाइंड ग्रुप बढ़ गया है तो दे हैव अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट थ्री पॉइंटी फाइव परसेंट ऑफ द दर्ल्ड इनहेबिटेंट्स ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है अगर मैं बात करूं कंबाइंड तो मेंबर इकोनॉमीज जो हैं दे आर वर्थ 28.5 ट्रिलियन डॉलर्स बढ़ गए हैं

Now this article is very important. The world wants to make in India. Now what does that mean? India mean investments are, in. are in. India has transformed from a nation from a limited economic growth to a hub for investments, a hub, yes, hub for investments, largely because of this Make in India initiative. जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई है बिजनेसेस बढ़े हैं और मीडियम साइज एमएसएमईज़ की बात करूं जो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी के आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी गुड्स टॉय इंडस्ट्री अगर आप देखो तो एग्जाम्पल है टॉय इंडस्ट्री टू थर्टी नाइन परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है इन दी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स गिरे हैं बाय हाफ मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों आती है बिकॉज ऑफ फोर थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन फोर डीज

वो कथा नहीं चल रही है जिसमें बैठ के सिर्फ सुनना है अगर सिर्फ सुन रहे हो कुछ लिख नहीं रहे हो दैट इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज सो प्लीज डू राइट वट एवर आई से कीप ऑन राइटिंग राइट बायर सेल्फ एक इंडिया एक इंडिया हैज बिकम अट्रैक्टिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन ना वट आर दो रीजन्स फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्ट्रांग राइट इट डाउन स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की आई एम एफ इज प्रिडिक्टिंग इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो बाय सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यंग पॉपुलेशन है यह सब बात है डेमोग्राफिक डिविडेंट देव बीकम एन अट्रेक्टिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो इंडिया इज रैपिडली इंप्रूविंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हाई क्वालिटी रोड्स रेलवेज एनर्जी सिस्टम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट अगर बिजनेस करना यहां आसान हो जाए तो क्यों कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा इंडिया हेज मेड इट इजियर टू रन अ बिजनेस है टू स्टार्ट बिजनेस है आप वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर देखो इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है या नहीं हुई जो अननेसेसरी रेगुलेशंस हैं सरकार ने हटा दिए हैं बहुत सारे प्रोसेस डिजिटाइज हो गए हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया टैक्सेस सिंपल कर दिए लेबर कॉस्ट बहुत कम है अफोर्डेबल लेबर इट इज लोअर देन कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्केट है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट मार्केट ही तो चाहिए ब्रिटिशर्स अपने फिनिश्ड गुड्स मतलब रॉ मटीरियल हमारा फिनिश्ड गुड्स बनाते वहां पे थे मार्केट डम्प लाते कहां थे इंडिया में बेचते थे मार्केट थी या, है यहाँ अदर पॉइंट इज इंडिया की जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है इन दी ग्लोबल पॉलिटिक्स तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट मेक इट अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स क्वैड की ग्रुपिंग है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ट इज ऑल्सो सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्टार्टअप इको सिस्टम बूम कर रहा है इंडिया के अंदर स्टार्टअप इज थ्राइविंग यू हैव वन 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 यूनिकॉन्स हंड्रेड एंड इलेवन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हैज प्रोवाइडेड फंडिंग सपोर्ट टैक्स बेनिफिट रेगुलेशन चेंजेस बहुत कुछ हुआ है अब ये इस इतना ऐसे हरा भरा दिख रहा है ठीक है बट लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी हैं इंडिया हैज मेड इंप्रूवमेंट बट इट मीट दो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लॉजिस्टिक प्रॉब्लम दे इज अ नीड फॉर बेटर सिस्टम इन एरियाज लाइक पावर सप्लाई वाटर एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन यहां कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट हो सकती है

बैंकिंग सेक्टर में भी चैलेंजेस हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इश्यूज लाइक दीज जहां पर लोन्स आर नॉट बीइंग पेड बैक नियर कोलैप्स ऑफ यस बैंक इन 2020 दे हैव एवरेज कंसर्न्स फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज इट मेक्स इट हार्डर फॉर द बिजनेसिस टू गेट लोन्स आईपीआर को लेके भी कंसर्न्स है आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसकी अभी हमने बात भी करी तो करा क्या जा सकता है जो सारी दिक्कतें उन्हीं का ही सोल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सिलरेट करो बढ़ाओ करंट लॉजिस्टिक कोस्ट इंडिया के अंदर जो है फोर्टीन परसेंट है जीडीपी इट इज फोर्टीन परसेंट ऑफ द जीडीपी डी विच इज हाइयर डेवलप कंट्रीज में इट इज एट टू टेन परसेंट अगर आप इसको सी कर दो यू कैन सेव बिलियंस इन द कोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करो इम्प्लीमेंट लेबर कोड न्यू लेबर कोड्स विल मेक द जॉब मार्केट मोर फ्लेक्सीबल मेक इट ईजियर फॉर द कंपनीज टू हायर द एम्प्लॉयज बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ मेक लैंड एक्विजिशन ईजियर दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन ठीक है मूविंग the last लास्ट आर्टिकल ऑफ session, सेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च national responsible टूरिज्म initiative, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन DD. घूमने जाते हैं है ना तो जब घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ना कनेक्ट देम विद नॉलेजेबल लोकल्स फ्रेंडली लोकल्स तो उसी के लिए ये इनिशियेटिव है क्या है इन इनिशिये विजन ऑफ दिस इनिशियव इज टू वेलकम ऑल टू एक्सपीरियंस इन क्रेडिबल इंडिया को एक्सपीरियंस करना है तो इंडियंस के थ्रू थ्रू दीज इन क्रेडिबल इंडियंस वेलकमिंग हो हॉस्पिटेबल हो मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो टूरिस्ट के लिए सो दिस इनिशिएटिव वर पायलटेड इन सिक्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट तो यहां पर जो टूरिस्ट हैं लेट देम मीट द टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल हु आर प्राउड एम्बेसडर्स स्टोरी टेलर्स फॉर देयर डेस्टिनेशन ओरछा मध्य प्रदेश का गंडीकोट आंध्र प्रदेश बोधगया बिहार एज मिजोरम, जोधपुर राजस्थान श्री विजयपुरम अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। सो दीज वर सिक्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट वर पायलटेड तो अंडर दिस इनिशिएटिव द एम्फेसिस इज बींग प्लेस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ विमेन एंड यूथ किस चीज़ के लिए टू अनेबल देम टू डेवलप न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंसिस लाइक फूड टूर्स हो गए क्राफ्ट टूर नेचर ट्रैक लोग ट्रैक करना पसंद करते हैं हेरिटेज वॉक्स होम स्टे के एक्सपीरियंस आज लोग आज होम स्टे में रहना पसंद करते रहते दिन होटेल्स में वो कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है अतिथि देवो भवा वाली फिलासफी जो है उससे दिस दिस ट्रेनिंग इज ड्रीवन बाय दिस फिलोसफी कि टूरिस्ट को कंसीडर करें एज ऑनर्ड गेस्ट लोकल लेवराज दी स्किल्स टू अपटेन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो क्योंकि वो होम स्टे ओनर्स होंगे कल्चरल गाइड्स बनेंगे नेचुरल गाइड्स बनेंगे पैसा भी कमा सकते हैं

meaningful tourism experience sustainable tourism experience that benefit tourists also that benefit local communities also so by equipping the locals with the necessary skills that knowledge they can offer unique experience si experience that showcase the culture the beauty of their destination and they will also get the employment opportunity ठीक है सो दिस वॉज द होल सेशन उम्मीद करती हूँ आज का सेशन क्लियर हो गया होगा विल मीट यू इन अदर वन टिल देन टेक केयर गुड लक गुड विशेज दिस इज योर मंट्र आर्जू कर साइनिंग ऑफ हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट थैंक यू